पूर्व विधायक उदयभान सिंह हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी हुई। उदयभान सिंह जो पूर्व विधायक हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ चार कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, श्रुति चौधरी, रामकिशन गुर्जर, जितेंद्र भारद्वाज और सुरेश गुप्ता। चार लोगों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी हुई। हरियाणा कांग्रेस का अगला प्रधान कौन होगा, नया प्रधान कौन होगा, इसको लेकर दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक चर्चाओं का बाजार गर्म था। कई नाम सामने चल रहे थे और आखिरकार एक नाम उभर कर आया है और इससे साफ ये लग रहा है क्योंकि इससे पहले जो कुमारी शैलजा अध्यक्ष हुआ करती थी वो एक दलित फेस थी, तो उनके जगह पर उदयभान को लाया गया है, तो वो भी एक दलित चेहरा है। इसके साथ साथ चार और लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया गया है, श्रुति चौधरी हैं, रामकिशन गुर्जर हैं, जितेंद्र भारद्वाज हैं और सुरेश गुप्ता। ये चार लोग हैं जिनको पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। तो बड़ी खबर हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी हुई, हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष का ऐलान हो गया है क्योंकि लगातार ये खबरें आ रही थी कि इस महीने के आखिर तक कांग्रेस हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर देगा। इसको लेकर पिछले दो तीन दिनों से लगातार 10 जनपद से लेकर 24 अकबर रोड तक बैठकों का दौर चल रहा था। एक के बाद एक हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का दिल्ली दौरा हो रहा था, सभी अपने अपने हिसाब से बात कर रहे थे। लेकिन आज से दो तीन दिन पहले तक जो बड़े नाम चर्चा में थे, जिन नामों की चर्चा हो रही थी, उन नामों से इतर एक नाम सामने आया पिछले 24 घंटे 36 घंटे में। ये अपडेट हुआ कि उदयभान सिंह जो पूर्व विधायक हैं उनको हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, पीसीसी प्रमुख बनाया जा सकता है। और आखिरकार उदयभान सिंह के नाम पर मुहर लग गई है, उदयभान सिंह को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ये देखिए केसी वेणुगोपाल के नाम पर कांग्रेस की तरफ से प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है। एक अध्यक्ष और चार कार्यकारी अध्यक्ष, कांग्रेस ने हरियाणा में अपने टीम का विस्तार किया है, अपने एक नई टीम का ऐलान किया है। अब इस नई टीम के कंधों पर यह जिम्मेदारी होगी कि 2024 के पहले लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे और पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्म करे, ज़्यादा सीटें लाएं और 24 में जब आखिर में विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें वो सत्ता वापसी करे, क्योंकि यही वो टीम होगी, क्योंकि अभी 2-2.5 साल का वक्त है, यही वो टीम होगी जो जिनके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। कोई अगर बहुत अपरिहार्य स्थिति नहीं बनती है, कोई बहुत बड़ा उलटफेर ना हो जाए, तो माना जा सकता है कि 2-2.5 साल के बाद जो चुनाव होने हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव उसके बाद विधानसभा का चुनाव, इन्हीं इसी टीम के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और समझना ये होगा कि इसमें जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं इसमें किन किन को साधा गया है, जातिगत आधार पर और गुटों के आधार पर। कांग्रेस की ये रणनीति रही है पिछले 3-4 राज्यों की अगर हम देखें तो वहां पर कांग्रेस इस तरीके से नामों का ऐलान करती है जिसमें कई जगहों पर प्रांत विशेष को वो टारगेट करती है, जातिगत समीकरण को भी साधती है और एक अध्यक्ष के साथ 3 से 4 कार्यकारी अध्यक्ष लगाए जाते हैं। और हरियाणा में भी उसी फॉर्मूले को आजमाया गया है। हरियाणा पूर्व विधायक उदयभान सिंह के कंधों पर हरियाणा कांग्रेस की जिम्मेदारी है दी गई है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं उदयभान सिंह। अब उदयभान सिंह के कंधों पर कांग्रेस के संगठन को हरियाणा में मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी और इसके साथ ही उनकी टीम में 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए जिसमें श्रुति चौधरी है, रामकिशन गुर्जर हैं, जितेंद्र भारद्वाज हैं और सुरेश गुप्ता हैं। पिछले 2-3 दिनों से लगातार दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक बैठकों का दौर जारी था, एक के बाद एक नाम सामने आ रहे थे।